का जो रोल है ना इस वक्त, मुझे लगता है ये है जिन्होंने अभी ये सारा किया है ना, लिखा है सारा, ये जो प्ले किया है, ये प्ले है या सारा ये स्क्रिप्ट जो भी ये, हाँ जो जो भी ये ड्रामा सारा लिखा है ना, उसमें मुझे लगता ये है कि इस दफा पाकिस्तान जो है ना उस पे लफज शायद एज अ नेशन मेरे लिए कहना मुश्किल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर किसी किस्म का एतबार नहीं किया जा रहा। जिन्होंने भी लिखा है जो भी कहा है वो अपने डंडे सोटे पे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं पीछे जो कर रहे हैं खुद बैठे हैं। पाकिस्तान को इस दफा वो स्टेक इतने उस लेवल का नहीं बना रहा है जिस लेवल का। देखे ना इमरान खान साहब ने जो कल कहा था, वो मैंने आपको सवाल भी किया था अगर कल देखा जाए तो, कि वो कह रहे हैं जी कि हमने इसके लिए बड़ा सहूलियात मुहैया किए हैं, टेबल पे ला के बिठाया है, लेकिन हमें अहमियत नहीं दी जा रही। तो जो अहमियत नहीं दी जा रही ना, वो इमरान खान साहब ने बताया और वो मैं भी फील कर रहा हूँ, पाकिस्तान को इससे थोड़ा सा हटा के रखा जा रहा है यार, कि डायरेक्ट उनके साथ मिलके कर लो, क्योंकि इनका पता कोई नहीं, रोल ये वही प्ले करेंगे जो कहीं से, जिनकी फोन कॉल नहीं आती जो उनकी कॉल होगी। अच्छा आप कह रहे हैं जी, मैं सुना दूं जरा, ये जरा सुन लीजिएगा जी, इमरान खान साहब अफगानिस्तान की फतह पे, इमरान खान साहब नहीं सॉरी माजर के साथ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है अफगानिस्तान की फतह पे, ये सुन लीजिएगा जरा। जब आप जैनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी जैनी गुलामी है। जैनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो जैनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। जी सर, खान साहब सर, ये इनकी इनकी एक मजबूरी है कि इन्होंने जिन चीजों के बारे में इनको नहीं भी पता होता ना, तो वो उनके बारे में भी ऐसी बातें करनी है। देखिए, इनके ऊपर फौज से इसके ऊपर प्रेशर आएगा। मैं आपको 100% कहता हूँ कि फौजी जो है वो इसको बड़ा माइंड करेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो कि भाई उन आजादी के अमेरिका से हासिल कर ली, हमारा तो सारा उठना बैठना ही तो अमेरिका के सर दुनिया से। कदों फौजी कदों माइंड करने के सर दस दियो, खुदा दा वास्ता जी, खान साहब ने कितनी पहली वो दफा चवल मारी है। इसी तरह होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बनता है प्रेशर इनका। और ये खान साहब को तो समझ नहीं है। मैं रात को मुझसे पूछा गया एक शो में कि खान साहब ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया इनकी तरफ जो है अफगानिस्तान के इशू पे, तालिबान के। तो मैंने आगे से जवाब ये दिया कि खान साहब जब तालिबान को देखते हैं ना तो उनके चेहरे में इनको मौलाना फजल रहमान साहब नजर आते हैं, तो लिहाजा ये तो उससे डरते हैं, तो लिहाजा उस तरफ का मुंह इतनी आसानी से और अकेले तौर पे नहीं करते, एक भी बयान नहीं देंगे देंगे ये अभी पोजीशन में। उसकी वजह ये है कि वहां वालों को, अफगान वालों को भी पता है कि ये भी नकली तरीके से हुकूमत में आए, आलमी इदारों को मालूम है। देखिए, फोन जिसका आना था ना, वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है उनका आ गया बाजवा साहब को, फिर कोर कमांडर्स की मीटिंग भी हुई, फिर वो जो ब्रीफिंग हुई जिसके अंदर बताया गया। और याद रखिएगा कि खान साहब ने बाकायदा ऑफिशियली तौर पर हमारी मिलिट्री को ये कहा हुआ है कि ये आप लोगों का बनाया हुआ इशू है, तो आप लोग डील करें, मुझे जनाब इस मामले में ना घसीटें। और ये एटीट्यूड रख कर मगर फिर हम भी बेवकूफ़ हैं कि खान साहब से शायद हम प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये खतरनाक है, एक्सपेक्टेशन है, नहीं है, वो उनके बस की बात नहीं है। और अगर इसमें रशिया और चाइना देखें, रशिया और चाइना की एम्बेसीज खुली हैं अफगानिस्तान में इस जी, वक्त, वो नहीं बंद हो रही। उन्होंने कहा जी हम बंद नहीं करेंगे, हाँ, काम वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। जी आइसक्रीम बिल्कुल, खा बहुत रहे बहुत हैं बाहर बैठ के, वो बैठे हुए अपने स्विमिंग जी पूल जी में, जी उनको जी कोई जी जी पत्थर तक नहीं मार रहा। तो नहीं अब सऊदीया ने भी अलामती तौर पे अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं, और ये बाकी तो चलो उनका निकलना साढ़े बनता वाले है, कोई किथे, वजह है। साढ़े साढ़े वाले किथे ने हमारे वाले बहुत, वो कपड़े बदल के, यूनिफॉर्म बदल के बहुत पहले आ गए थे वापस। जब वो जी कंधार में बॉर्डर के आसपास आग लगा रहे थे उस वक्त, फिर हमारे वालों ने अपनी वर्दियां वो बदले, कपड़े शपड़े और उलिया वुलिया बदल के, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गए। ये काफी मतलब अरसे दो से, हाँ दो चार पांच सात बंदे बैठे में माड़ा मोटा काम चलाने पे। वो मजबूरी होती है, क्योंकि वो फिर एक क्या कहते हैं, एक चैनल रखना पड़ता है, क्योंकि इंडियंस जो है वहां पर ये काफी बहादुर किस्म के इंडियंस आए हुए हैं। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये इंडियंस जब अफगानिस्तान में अपने कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं, तो मैं उनसे नाम पूछता हूँ, तो वो नाम ये नहीं होता कि चरण कुमार या रमेश मिश्रा, नहीं, वो होता है सैयद सिबगतुद्दीन, हैदराबादी मुसलमान होता है, और वो अरबी भी जानता है और वो दरी भी जानता है और पश्तो भी जानता है। वो इसीलिए ट्रेन किए जाते हैं ना इन चीजों के लिए ट्रेन। और बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं,
और वो मैं उनसे जब यहाँ पर आते हैं मीटिंग्स में तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों को, तो वो कहते हैं नहीं भाई हमारे आबाओ अजदाद ही अफगानी थे और अब हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आए हैं और फिर यहाँ आकर के इनके साथ मामलात कर रहे हैं और तालिबान से भी कर लेंगे। आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और सर्विसेज में तालिबान को क्या झगड़ा होगा, वो सड़क तो किसी की भी बनाई हो, है ना। तो उनको इस चीज़ों में झगड़ा नहीं है, उनको इस चीज़ में झगड़ा है कि यहाँ बैठ कर तुम रशिया के और इधर उधर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नहीं करो, यहाँ से सुरंगे मत खोदो, इधर से उधर जाए। ये पता है टनल खोदते हैं इंडियंस, बड़े बड़े टनल खोल, हाँ ये अफगानिस्तान की साइड से बड़े बड़े टनल खोल के इधर पाकिस्तान वाली साइड लोग घरों के अंदर इन्होंने वो रखे होते हैं। अजीबो गरीब इनके मामलात हैं, मगर सारी बात मिस्र वाले और गजा वाले वो जो नीचे से वो सारा होता था वो। आपके लिए एक सवाल है, जरा स्क्रीन से ले लीजिएगा फारूक साहब। क्या सवाल है समीना इकबाल खान? फारूक साहब आपको शायद मालूम हो के अमेरिका का रिहायशी एक झील वाला डॉक्टर था जिसने कहा था जब जीते थे, याद हो आपको, एक झील वाला पीछे उसके स्विमिंग पूल था और वो ऐलान कर रहा था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं तो हमेशा के लिए जा रहा हूँ वहां पे, बड़ा ये हो गया वो हो गया। वो मेरी बीवी ने भी रिजाइन कर दिया, हमने सामान लपेट लिया, सामान सब कुछ कैलिफोर्निया वाले, उनका क्या नाम था साहब डॉक्टर, उनकी जमात भी थी ना अपनी एक, कोई जमात का नहीं मालूम, लेकिन ये है कि सारी आईडीज उन्होंने ऑफ कर दी थी। उस डॉक्टर ने अब क्योंकि वो डॉक्टर था उस वक्त, वो कहते ना एक बादशाह थी तो पाना सिकटाना खोखा थी, उस डॉक्टर ने अपना गाड़ी मैकेनिक का काम सीख लिया क्योंकि उसको उसने अपना वो उसको मस्जिद में और एरिजोना की एक मस्जिद में भी वो गए थे तो बाद में वहां जो लोग थे वो उनको पड़ गए और वो लोग थे जो लाहौर की बिजनेस फैमिलीज हैं, तो उनके जो यहाँ लोग थे उनको पता था वहां क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ज्यादातर पाकिस्तान की इन चीजों पे वो लोग खुश होते हैं जिनके पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह की नहीं है मिलियन बिलियन डॉलर की, उनको नहीं पता लगता, उनको पता लगता है कि हुकूमत क्या कर रही है, पैसे रोक रही है, सर्विसेज रोक रही है, हरास कर रही है हमें, तो आम आदमी तो ये बनाते रहते हैं। तो उन्होंने सवाल सही पूछा देखने वालों ने कि वो डॉक्टर साहब किधर गए, वो अंडरग्राउंड हो गए और मेरा जहां तक ख्याल है कि वो या तो मेक्सिको में है या किसी और स्पैनिश कंट्री में, या किधर को अफ्रीका शिखर चले गए ना क्योंकि पाकिस्तान वापस आ गए। वो काफी अरसा हुआ मैंने उनका तذکرہ नहीं सुना और बड़ी मेहरबानी इन्होंने याद करवाया, ढूंढते हैं ढूंढ के बताएंगे अगले प्रोग्राम में। आपके लिए अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक मेरा ख्याल है वो शार्लेट में चले गए थे, मूव कर गए थे। अच्छा, और थोड़ा सा गुस्सा उन्होंने इख्तियार कर ली थी। अरशद साहब आपके लिए एक नसीहत भी है कि जज्बात में नहीं आना क्योंकि बंदा बात थोड़ा पछता है। अच्छा संदीला साहब मुझे ये बताएं आप, एक तो खान साहब का जो आपने खिताब सुनाया, मुझे तो मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि थोड़ी सी नशा जुम जाना वो बुरी चीज है, आपका अपना क्या तज़िया है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, ये जो सारा सिनेरियो और वजीर आजम का खिताब? सर मेरा इस पे जो तज़िया है ना, इमरान खान साहब को ना इनको चाहिए कि जब लेके आते हैं ना ठंडी हवा अलमान वास्ते, तो खान साहब कम अज कम 3-4 घंटे पहले उठाना चाहिए, आधा घंटा पहले उठा के नहीं ले क्योंकि इनको 2-3 घंटे पहले उठाएं, इनको कुर्सी पे बिठाएं, स्पोर्ट्स मैन है बाहर 15-20 मिनट सूरज की हलवाल गए, इनको दौड़ शौड़ करने के, हालांकि फोटो बढ़िया ने तोड़ दिया दिया लेकिन पता नहीं दौड़ते कि नहीं दौड़ते हैं, हवा शाह लगवा के लाया करें, फ्रेश करके लाया है, और जो रात की खाई हुई रोटी है ना, पता है रोटी में सबसे ज्यादा नशा होता है, आप लोग तो बातें करते ना, मतलब नशे नुशे की गाल नहीं करते,